दोस्तों हिमाचल प्रदेश के काठगढ़ मंदिर दियां तुहानू आज कुछ तस्वीर दिखाने। तीनों लोगों के स्वामी भगवान श्री शंकर जी का मंदिर इस इलाके स्थित है। स्वयंभू स्वयंभू का मतलब है कि भगवान शंकर इतने स्वयंभू प्रगट ने और पंडित जी ने भी पूरी जानकारी दी है। मंदिर के बाहर काफ़ी चहल पहल और रौनक देखने को मिलती है और मंदिर का अलौकिक दृश्य बिल्कुल तुहाडे सामने है। शिवरात्रि के मौके इस पवित्र गुफा और पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने लिए काफ़ी हज़ारों की संख्या के देश प्रदेश तो लोग पहुँचते हैं। इस बार शिवरात्रि 8 मार्च में ही आ रही है और नाल ही भगवान भोले शंकर के भगतों के भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। दुकानदारों के मुताबिक उन्होंने हुण तो ही अपनी दुकानां सजाणियां शुरू कर दित्तियां हन। मंदिर के पुजारी सुनील शास्त्री जी ने मंदिर बारे जो इतिहास सानू दस्या है शायद वह इतिहास सुन के तुसी भी हैरान हो जाओगे। वीडियो जरूर पूरी देखो क्योंकि मंदिर के पंडित सुनील शास्त्री जी वालों जो इतिहासिक गल्लां सानू दसियां गईयां हन वह वाकई ही सुनन वालियां हन। दुकानदारों के मुताबिक 12 महीने ही इतने श्रद्धालुओं का वाका भारी भीड़ देखने को मिलती है और वख-वख इलाकों तो लोग इतने आके भगवान शंकर के अगे नतमस्तक होते हैं। दुकानदारों के मुताबिक हर सोमवार के दिन इतने मंदिर के भारी भीड़ देखने को मिलती है क्योंकि भगवान शंकर के अगे नतमस्तक होने तो बाद मनोकामना भी पूर्ण होती है। मंदिर विच आउण वाले यात्रियों ते श्रद्धालुओं लई मंदिर कमेटी प्रबंधकां वल्लों एक सुंदर पार्क का भी निर्माण किया गया है। इस दौरान बच्चे अते जो भी बजुर्ग अते महिलावां हन वो इस पार्क दे विच विश्राम करते हैं। ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਪੂਰੀ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੁਗ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਥਾ ਤੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ। ਜਬ ਉਨਕਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੋ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਉਨਕਾ ਯੁੱਧ ਮਿਟਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਸਵੈਂ ਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਥੇ ਆਦਿ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ। आधा रूप माता पार्वती जी का, आधा रूप भगवान शंकर जी का, बीच में इनके दरार है। फिर जहाँ बियाबान जंगल रहा, किसी को पता नहीं था कि जहाँ मंदिर है जब क्या चीज है क्या नहीं। तो बोलते हैं कि जब राम जी का जन्म हुआ तो राम जी के भाई जो भरत जी थे वो भी अपने ननिहाल जाते थे तो बड़े शिव भक्त थे। तो जहाँ पूजा अर्चना करते थे, जहाँ ब्यास नदी बगती है वहां से जल वगैरह लेके स्नान वगैरह कराते थे भगवान जी को, और विश्राम करके जहाँ से कश्मीर जाते थे भरत जी। उसके बाद भी बियाबान जंगल रहा तो बोलते हैं कि जब राज्यों का राज आया तो महाराजा रणजीत सिंह जी आए, उनका घोड़ा इसी जगह पर रुका तो उन्होंने देखा कि ये जो शिवलिंग है क्या चीज है क्या नहीं, इसके नीचे क्या चीज है। तो उन्होंने काफी गहरा खोदा तो नीचे से कीड़े मकोड़े निकले, भगवान शंकर जी के गण वगैरह, उन्होंने गंती से चोटे लगाई तो भगवान जी के गण वगैरह निकले तो वो जिसको भी लड़ते थे वो ही मर जाता था। काफी सेना की सेना इसके बीच में खत्म हो गई थी महाराजा रणजीत सिंह जी की। जब सेना खत्म हो गई तो वो घबरा गए, उन्होंने जितने भी पंडित जी थे उनको बुलाया और पूछा कि क्या कारण हुआ। तो उन्होंने बताया कि वहां तो भगवान जी विराजमान है और आपने गंती से चोटे लगाई, आप माफी वगैरह मांगिए, हवन यज्ञ वगैरह कराइए और मंदिर बनवाइए, फिर जे अष्टभुजी चबूतरे के तौर पर जे मंदिर महाराजा रणजीत सिंह ने बनाया था। और सिकंदर भी अपनी फोर्स लेके जहां से वापसी किया था इस ब्यास नदी को क्रॉस नहीं कर पाया था। बाकी इस मंदिर की ज्यादा प्राचीनता यही है कि नक्षत्रों के तौर पर गर्मियों में इनकी दूरी बढ़ती है और सर्दियों में जो नदी काते हैं, शिवरात्रि की रात्रि को जो ऊपर से जुड़ते हैं कुछ घड़ी पल के लिए,
को बड़ा भाग्यशाली होते, उन्हीं को दर्शन होते हैं। तो रामायण में लिखा है कि काशी खुरासान गुजरात तुलसी ऐसे जीव को परालब्ध ले जाते, कि पूरे विश्व में ऐसे जो मंदिर है जैसे कैलाश या काशी या काठगढ़ या मक्का मदीना के विच, जो स्वयं भू प्रगट जिनके साथ माता पार्वती जी और खड़े रूप में, जे इस मंदिर की कथा है। जय।